नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सभी देशवासियों को हर्षोल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि राष्ट्र परिवर्तन तथा विश्व परिवर्तन के लिए जल्लोष से धूम मचाने के लिए आ रहे हैं हमारे मीडिया हाउस के दो भारतीय न्यूज चैनल बीएनएन और सीएनएन न्यूज चैनल, जो कि भारत सरकार द्वारा रजिस्टर तथा संपूर्ण भारतीयों के लिए गर्व का विषय होने वाले हमारे संस्कृति पूजक तथा संस्कृति रक्षक चैनल। हमारे न्यूज चैनल द्वारा अब बड़े आनंद से तथा गर्व के साथ सभी को सूचित किया जाता है कि महामहिम श्री अजय कुमार पांडे, माननीय श्री अजय कुमार पांडे डायरेक्टर तथा माननीय श्री विनोद कुमार महाजन महाराष्ट्र एडिटर इन चीफ बीएनएन और सीएनएन न्यूज चैनल मीडिया हाउस और परिवार के द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष में गणेश पूजा के प्रारंभ के साथ सभी प्रदेश ब्यूरो चीफ, जिसमें ऑल इंडिया मीडिया प्रभारी अशोक कुमार गोयल, जिला ब्यूरो सरगुजा बलदेव सिंह उदय, जिला हेड ऑफिस कंप्यूटर ऑपरेटर सोनाली, ऑल इंडिया हेड रविंद्र कश्यप, यूपी राज्य ब्यूरो हरिश्चंद्र निषाद, एमपी ब्यूरो तेजपति शाह, झारखंड ब्यूरो राम प्रवेश सिंह, उड़ीसा ब्यूरो मंजीत सरकार एवं सभी पत्रकार और अधिकारी कर्मचारियों को हमारे न्यूज चैनल द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में गणेश पूजा समितियों की अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करें और किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल न्यूज चैनल को सूचित करें तथा गणेश जी की पूजा एवं आरती करें। और इसी के तहत बाल गणेश सेवा समिति मणिपुर बिलासपुर चौक में उपस्थित होकर चैनल के सदस्यों ने मिलकर पूजा अर्चना की, आरती संपन्न की। संपूर्ण कार्य का संचालन एडिटर इन चीफ माननीय श्री विनोद कुमार महाजन जी के दिशा निर्देश से तथा गणमान्य नागरिक व उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया। बाल गणेश सेवा समिति का प्रारंभ 25 अगस्त 2017 को किया गया था। इसमें सम्मिलित सूर्य प्रकाश साहू, अभय प्रवण, राजेश विकास, मोनू साहू, सुरेंद्र, अंकित अग्रवाल, प्रहलाद गोयल द्वारा धूमधाम से संपन्न हुआ। उपरोक्त समिति के सदस्य आयुष, अंश, प्रतीक, ईशा गोयल, राहुल जायसवाल, प्रथम, विक्की, मेधा अग्रवाल, महेश, वर्षा साहू, इन सभी सम्माननीय सदस्यों द्वारा संपन्न हुआ। ऑल इंडिया मीडिया प्रभारी अशोक कुमार गोयल जी द्वारा कार्यक्रम को विशेष रूप से हर्षोल्लासित किया गया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज।